हाय एवरीवन, सुबह उठना कितना डिफिकल्ट है ना। मतलब जल्दी सो तब उतने बजे आँख खुलती है और लेट सो तब। आपके साथ अगर ऐसा होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। मैं जल्दी सोती हूँ तब उतने बजे उठती हूँ और लेट सोती हूँ तब। तो मैंने क्या करती हूँ, लेट ही सोती हूँ, क्योंकि जब उठना उतने ही बजे है तो इससे अच्छा रात को लेट तक अपना काम कर लो और फिर सो। वैसे तो अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, और इसमें मैंने खीरा, गाजर, नींबू एंड तुलसी डाला हुआ है। तो इसको पीने में बहुत मज़ा आता है, ट्राई ज़रूर करके देखना। ये इसमें आप वाटरमेलन एंड मिंट लीव्स भी डाल सकते हैं। तो हमेशा मैं अलग अलग चीज़ें डाल करके ऐसे रख देती हूँ और दिन भर मैं ये पानी पीती रहती हूँ। फिर जब ये पानी ख़त्म हो जाता है ना, तो इसमें मैं वापस रिफिल कर देती हूँ। तो ऐसे ये पानी दिन भर चलता रहता है। फिर मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ। ड्राई फ्रूट्स में मोस्टली तो बादाम भिगोए हुए होते ही होते हैं, और कभी कभी मैं इनके साथ डेट्स और काजू भी खाती हूँ। ऐसा मैं ही नहीं करती हूँ, मेरे घर में सब लोग करते हैं। सुबह उठते हैं, पानी पीते हैं और फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। तो इसको खाने के बाद मैं थोड़ी साफ़ सफाई करती हूँ, मतलब सबसे पहले झाड़ू करती हूँ पूरे घर में, फिर पोछा करती हूँ। ये जो साफ़ सफाई की आदत है ना, मुझे बचपन से ही है। आई थिंक मैं 5th या 6th में थी तब से ही मैं ये करती हूँ। तो घर में सब चीज़ें सही से रखना, बेड ठीक करना, तो ये सब चीज़ें मैं पहले से ही करती हूँ। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, वैसे वैसे मैं और ज़्यादा साफ़ सफाई करने लग गई। तो अब मुझे लगभग 30-40 मिनट्स लगते हैं ये सब पूरा साफ़ करने में, और जब मैं पूरा साफ़ कर लेती हूँ तब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। ये तो छोटी मोटी सफाई है जो मैं नॉर्मल बेसिस पे करती हूँ। ऐसे जब मेरा मूड होता है या फिर कोई फेस्टिवल वगैरह होता है ना, तब मैं बहुत ज़्यादा सफाई करती हूँ। मतलब इतना ना कि मैं भूल जाती हूँ कि मुझे खाना पीना भी खाना है। तो ऐसे मेरा पूरा टाइम निकल जाता है साफ सफाई में। कबर्ड वगैरह मोस्टली मैं ठीक ठाक ही रखती हूँ, पर जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो मुझे लगता है ना कि कोना कोना साफ होना चाहिए। ऐसा कोई कोना नहीं होना चाहिए जिसमें थोड़ी सी भी गंदगी हो। पता नहीं क्यों, पर ये मुझे आदत है पहले से ही। आज नाश्ते में मेरे भाई ने ये सैंडविच बनाया है। एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता इसमें क्या क्या है, और उसने वीडियो भी नहीं बनाई है, तो आप लोगों को इसका लिंक मैं नहीं दे पाऊंगी। इसमें मुझे लगता है पनीर है, आलू है और थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स हैं। अगर सैंडविच वगैरह का आप लोगों को शौक है तो मेरे भाई के चैनल पर आप लोग देख सकते हो, उसने बहुत सारे सैंडविचेस डाले हैं। और मैं ये अनार का जूस पीऊँगी। मतलब एक ही अनार पड़ा हुआ था और वो भी अच्छा नहीं था, जैसे तैसे मैंने इसका जूस निकाला है। तो इसको पीने के बाद आज थोड़ी सी बालकनी की सफाई करनी है। ये मैं वीक में एक बार करती हूँ, हमेशा नहीं करती हूँ। मेरी मम्मी को थोड़ा प्लांट्स वगैरह का ज़्यादा ही शौक है, तो वो तुलसी का और एक दो फ्लावर प्लांट्स भी हैं जिनमें कभी कभी फूल खिलते हैं, तो हम लोग उन्हें मंदिर में चढ़ा देते हैं।
साफ सफाई का काम मेरा खत्म हो गया है, अब मैं कॉफी पीऊंगी और जिम जाऊंगी। आज मैं इस टाइम पे जिम जा रही हूँ, मेरा भाई ऑलरेडी सुबह होके आ गया है। जिम मैं शाम को ही जाती हूँ, पर आज मुझे थोड़ा काम है शाम को, इसलिए मैं इस टाइम पे जा रही हूँ। तो मुझे अकेले जाना पड़ेगा, बड़ा भाई जाने वाला है नहीं, पता नहीं है वो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो मैं अकेले निकल जाती हूँ। 5-10 मिनट में मैं जिम पहुंच जाऊंगी और फिर 1 घंटे वर्कआउट करूंगी। मैं जा रही हूँ, बाय बाय। जब स्कूटी नहीं चलाना आता है तो ऐसा होता है कि मुझे चल के आना पड़ता है जिम। अभी मेरा कार्डियो तो हो गया है, मैं बस वर्कआउट करने वाली हूँ। आज मैं जिम में चेस्ट वर्कआउट करने वाली हूँ, 5-6 एक्सरसाइजेज है वो करूँगी, फिर वापस घर जाऊँगी। मतलब सबसे बोरिंग अगर मुझे लगता है ना कोई वर्कआउट तो वो है चेस्ट वर्कआउट। पता नहीं क्यों मुझे पहले से ये बहुत बोरिंग लगता है। बाकी सारी एक्सरसाइजेज मैं आराम से कर सकती हूँ, बैक डे भी अच्छा चला जाता है मेरा, लेग डे भी अच्छा चला जाता है, बस पता नहीं क्यों मुझे चेस्ट डे में मतलब इतना मज़ा नहीं आता है। ज़्यादा नहीं, मैं 1 आवर में कोशिश करती हूँ कि मेरी सारी एक्सरसाइजेज ख़त्म हो जाएं, और 1 आवर तक ही मैं जिम में रह सकती हूँ, उसके ऊपर मैं नहीं रह सकती हूँ। तो 1 आवर में लगभग मैं अपनी सारी एक्सरसाइजेज कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इधर उधर बातें करने में या फिर अपना टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ। जो भी मुझे एक्सरसाइज करना होता है, जितना मुझे रेस्ट लेना होता है, वैसे लेकर के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब सीधा मैं पहले नहाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी और मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो नहाने के बाद मैं स्मूदी पीऊँगी। और अभी मैं जिम से आई हूँ इसलिए मैं फ़ेस वॉश भी करूँगी। ऐसे में घर में रहती हूँ तो मॉर्निंग में फ़ेस वॉश नहीं करती हूँ, या फिर अगर मैंने मेकअप ना किया हो तो भी मैं फ़ेस वॉश नहीं करती हूँ। फेस वॉश के लिए मैं यहाँ द डर्मोको का AHA BHA क्लेंजर यूज कर रही हूँ, जो कि डीपली क्लेंज करता है एंड जेंटली एक्सफोलिएट। स्किन से डेड स्किन सेल्स, इम्प्योरिटीज को रिमूव करके पोर्स को अनक्लॉक करने के साथ एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है और स्किन को ब्राइटर, क्लियर एंड स्मूथ बनाता है। ये मॉर्निंग एंड नाइट दोनों में यूज कर सकते हैं। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है ये, SLS एंड पैराबेन फ्री है ये। अभी मैं दिन में इसको यूज़ कर रही हूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस सनस्क्रीन लगाऊंगी। रात में जब मैं ये क्लेंजर यूज़ करती हूँ तो कभी कभी इसके बाद मैं ये 2% BHA एक्सफोलिएंट सॉल्यूशन यूज़ करती हूँ। ये डीपर लेयर तक जाके डेड स्किन सेल्स, डर्ट को रिमूव करता है एंड पोर साइज को रिड्यूस करने के साथ ये एक्सेस ऑयल को भी कंट्रोल करता है। इसको आप अपने हैंड्स या कॉटन पैड पे लेकर के जेंटली डैब डैब कर सकते हैं अपने फेस पे, नेक पे। मेन इंग्रेडिएंट इसका सैलिसिलिक एसिड है, जो कि एनलार्ज्ड पोर्स, एक्ने ब्रेकआउट्स एंड ब्लैक हेड्स को टारगेट करता है और स्किन को क्लियर एंड हेल्थी बनाता है। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड फ्रेग्रेंस फ्री है, स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए ये दोनों प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इनकेस आपको ट्राई करना हो या आपको लगता है कि किसी के लिए ये बेस्ट है तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप वेबसाइट से परचेज करते हैं प्रोडक्ट्स तो 20% ऑफ के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगर आप डर्मोको से प्रोडक्ट बाय करते हैं तो डर्मोको आपके ऑर्डर को एक बच्चे से लिंक कर देगा कि वो भूमि के साथ उन्हें एजुकेट करने में हेल्प करें।
और इतना ही नहीं, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो साल भर में 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे। तो कितनी अमेजिंग चीज है ना, इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं किसी बच्चे की हेल्प करेंगे उसकी पढ़ाई में, अगर आप डोमोको से प्रोडक्ट बाय करते हैं। और जैसे कि मैंने अभी ये फेस वॉश जो है दिन में अप्लाई किया है, तो मैं ये सीरम नहीं अप्लाई करूंगी, ये रात में ही अप्लाई करना होता है, तो अभी मैं सिर्फ सनस्क्रीन अप्लाई करूंगी और लिप बाम। बस इतना ही स्किन केयर करने वाली हूँ और स्मूदी पीऊंगी। अब चलते हैं स्मूदी बनाने, और स्मूदी पीने के बाद मैं अपना बाकी काम करूंगी। स्मूदी के लिए मैं यहाँ पे फ्रोजन बनाना, कर्ड एंड थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर यूज कर रही हूँ। इसमें पानी डाल के मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी और बस स्मूदी रेडी। कोई भी स्मूदी बोलो, कभी भी बोलो, मैं हमेशा रेडी रहती हूँ पीने के लिए, स्पेशली मॉर्निंग में। और अगर कोई बना के दे दे, ओहो, तो बात ही अलग है। इस टाइम मुझे शूट होता है या फिर कोई काम होता है वो करती हूँ। तो अभी मैं ये लिख रही हूँ कि मुझे आगे क्या क्या काम करना है, तो ये लिखने के बाद मैं वो सारे काम करूँगी। मुझे अपने काम को करने से पहले उसकी प्लानिंग करना पहले से ही पसंद है, मतलब मैं ये चीज़ ना स्कूल टाइम से ही फॉलो करती हूँ। तो मैं एक दिन पहले ही प्रिपेयर कर लेती थी कि मुझे नेक्स्ट डे क्या क्या काम करना है। तो इससे क्या होता है ना कि काम थोड़ा ईजी हो जाता है और टाइम पर ख़त्म होता है। ये सब छोटी छोटी आदतें आपके अंदर स्कूल टाइम से ही आनी चाहिए, कि नेक्स्ट डे के लिए अपनी यूनिफॉर्म रेडी करना, शू को अच्छे से क्लीन करके रखना, और कौन कौन सी नोटबुक आपको स्कूल में कल चाहिए होगी उसे पहले से ही अपने बैग में डाल के रखना, कौन सा होमवर्क आपको करना है, किस टाइम पे करना है, ये सब कुछ ना प्लान होना चाहिए आपका। तो अगर आप ये चीज़ें ना स्कूल टाइम से ही फॉलो करते हो, जैसे जैसे आप बड़े होगे, कॉलेज जाओगे और जॉब करोगे, तो आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखोगे, जिससे आपका जो टाइम है ना वो मैनेज हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबको अपने लाइफ में फॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ अब मैंने लिख लिया है कि मुझे क्या क्या करना है। तो मुझे ब्लॉग की एडिटिंग करना है, स्क्रिप्टिंग करना है, और कुछ कपड़े ट्राई करना है। तो जो भी काम है मैंने बेसिकली यहाँ पर लिख लिया है। अब ये थोड़े बहुत कपड़े आए थे, बस मैंने इनको खोल दिया था, देखा नहीं था कि क्या है एग्जैक्टली इसके अंदर। तो अभी मैं इनको देख लेती हूँ, फिर मैं लंच करूँगी। आप में से बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि मैं कहाँ से कपड़े ऑर्डर करती हूँ, तो अभी तो जो रिसेंटली मैंने कपड़े ऑर्डर किए हैं वो मिंत्रा से ही किए हैं। बहुत ढूंढना पड़ता है वहाँ पर तब मुझे मिलता है, क्योंकि मुझे ना जल्दी कुछ चीज़ पसंद नहीं आती है, एक दो घंटा मेरा वेस्ट हो जाता है एक अच्छा कपड़ा ढूंढने में। तो ये सब मैंने मिंत्रा से ही मंगवाया है, और अभी तो मैं इनको नहीं पहनूंगी, आप लोगों को मेरे आने वाले वीडियोस में दिख जाएंगे। इसका पैटर्न वगैरह सब बहुत अच्छा है, पर फैब्रिक जो है वो मुझे लग रहा है इतना अच्छा नहीं है। प्राइस के अकॉर्डिंग ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। ये तो कॉटन है, तो ये तो मैं पक्का रखने वाली हूँ, बस साइज़ मुझे फिट आए। ये H&M का है, पता नहीं मुझे साइज़ होगा कि नहीं, बाकी ऐसे तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। ये टॉप भी मैंने मिंत्रा से ही मंगाया था, अभी मुझे ब्रांड नहीं याद है कौन सा है, पीछे देखना पड़ेगा। मिंत्रा पे मुझे लगता है अभी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, बस थोड़ा ढूंढना पड़ता है मुझे। और यहाँ मेरा काम होता है ख़त्म, तो वीडियो भी यहीं करते हैं ख़त्म, क्योंकि अब मैं जाऊँगी लंच करने। बाय द वे, आज लंच में है राइस, दाल, और ये आम का बनाया है मेरी भाभी ने, आई थिंक इसे तलखा बोलते हैं, बहुत ही टेस्टी है। इसका वीडियो भी बनाया मेरी भाभी ने, वो अपने चैनल पे डालेंगी, अगर आपको चाहिए होगा तो उसका लिंक मैं दे दूंगी आप लोगों को। बहुत ही टेस्टी होता है, और पक्का आम तो मैं नहीं खा सकती हूँ, कच्चा ना कैसा भी बना दो मुझे पसंद आता है कच्चा आम। तो अब मैं एंजॉय करूंगी मेरा लंच, और अगर आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन, बाय।